वाला कैमरा ख़राब है और लिखा हुआ है कि बैक कैमरा ख़राब है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ किस तरह, ये देख रहे हो आप लोग कैसा शो हो रहा हो, मैं दिखाता हूँ ये देखो। अस्सलामु अलैकुम। हाँ तो भैया, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम फिट। तो भाई, आज आपका भाई आ गया आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया होगा और मोबाइल वगैरह भी आप लोग देख रहे हो। ये है हमारे पास आज शार्प एक्वास R2, जिसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि सिलेर भाई, आप हर एक मोबाइल का रिव्यू तो कर देते हो, गेम टेस्ट भी कर देते हो और हॉट ड्रॉप, बैटरी टेस्ट, हर एक चीज़ हम कर देते हैं, बट आप कभी भी अपने मोबाइलों की कंडीशन वगैरह नहीं दिखाते कि आपके पास कैसा स्टॉक होता है। आप हमेशा हमें ज़्यादातर एक ही पीस दिखाते हो जिस पे आप ख़ुद खेलते हो। तो भाई, आज हम दिखाएंगे आप लोग को हमारे पास स्टॉक के किस तरह का हमारे पास स्टॉक होता है और आप लोग को किस तरह मोबाइल मिलेंगे ये घर बैठे। आप सबको पता है कि भाई, कराची में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई अब किस तरह मोबाइल लेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी लॉकडाउन होता है काफ़ी लोग फारिग बैठ जाते हैं घरों पे, तो उनको ज़रूरत होती है गेम खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए मोबाइल की उनको नीड होती है और हर एक चीज़ बंद होती है। तो काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई किस तरह मोबाइल मिलेगा। तो भाई, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को कोई भी मोबाइल चाहिए हो, ये शार्प का एक्वास R2 हो गया या सोनी का X3 हो गया या कोई भी मोबाइल हो गया, आप लोग को घर बैठे मिल जाएगा। पहले की तरह हम लोग अभी भी कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो कोई इशू वाली बात नहीं, हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है। तो भाई, सबसे पहले ये आप लोगों ने मोबाइल देख लिया, ठीक है, ये फ्रेश मोबाइल है। एंड काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइलों में टच इशू है या ये इशू है या वो इशू है, या हमें वहाँ से सस्ता मोबाइल मिल रहा था, हम लोगों ने ले लिया, तो भाई मोबाइलों में ये मसला आ रहा है। तो देख लो भाई, ये सीन होता है, मैं हर मोबाइल घर ला के इस तरह चेक करता हूँ। ये मेरा घर है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एंड मैं आप लोग को बखैर बाकी चीज़ें क्या दिखानी, ये मैं घर पर हूँ ठीक है। एंड घर पर लाकर मैं हर एक चीज़, हर एक मोबाइल इस तरह चेक करता हूँ। मैं आप लोग को इसकी मिसाल दे दूँ, आप लोग ट्रस्ट करो या ना करो, खैर बोलने वाले अभी ही बोलेंगे। ये देख लो भाई, हर एक चार्जर को मैं हर एक तरीके से चेक करता हूँ। ये देखो, ये मैंने चार्जर लगाया मैं इस पर, अभी मैंने इन मोबाइलों का टेस्ट किया ठीक है, चार्ज वगैरह, मोबाइल वगैरह, टच कैमरा, LCD, मैं एक एक चीज़ चेक करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई मैंने ख़राब भी चीज़ बेचनी है, सही भी चीज़ बेचनी है, जो भी है बेचना है। भाई हमारा, आपको पता है, ऑनलाइन का सीन है, तो ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी दुकानदार की तरह ख़राब भी चीज़ बेचें, सही चीज़ ही बेचें। भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ ही देते हैं कस्टमर को, ठीक है, बाकी जो ख़राब चीज़ होती है बता के देते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यूट्यूब को अपने एक साल से ऊपर टाइम दिया, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, ना हमारा दिमाग ख़राब है, ना हम पागल हैं कि 200-400 रुपये के लिए अपना यूट्यूब ख़राब करें, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करें। तो भाई, सबसे पहली बात, जब मैं मोबाइल चेक करता हूँ, मैं आप लोग एक मिसाल देता हूँ कि किस तरह मैं मोबाइल चेक कर लेता हूँ। देखो भाई, ये मैंने ठीक है इस पर चिप लगाई हुई है कि भाई इस मोबाइल का कैमरा ख़राब है और लिखा हुआ है कि बैक कैमरा ख़राब है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह, ये देख रहे हो आप लोग कैसा शो हो रहा हो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो हल्का पुल्का मोबाइल का बैक कैमरा ख़राब है। ये भी कैमरा ख़राब है इस तरह से कि कैमरा ब्लर दे रहा है। अभी फ़िलहाल ये मोबाइल ऑफ है, वरना मैं आप लोग को दिखाता, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगा देगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अभी मैं आप लोग को इस तरह समझा देता हूँ। अगर भाई देखो, ये मोबाइल का कैमरा, मतलब मोबाइल पूरा ओके कंडीशन, देखो आप कितनी ओके, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, ठीक है, जिस तरह लोग बोलते हैं कि भाई फ्रेश कंडीशन, बट इस मोबाइल के कैमरे में मुझे भाई मज़ा नहीं आया क्योंकि ब्लर था हल्का सा। तो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो मैं किसी और को क्यों रिकमेंड करूँ? आप लोग पैसे पे कर रहे हो तो मैं आप लोग को ख़राब चीज़ क्यों दूँ? ठीक है, ये देखो, इस कैमरे में ना हल्का पुल्का बफ लगने वाला कुछ मसला था, खैर, तो मैं ये पीस नहीं देता किसी कस्टमर को। इस तरह मैं अपने रिमाइंड के लिए ख़राब पीसों को साइड पर रख देता हूँ, उस तरह के पीस मैं किसी को नहीं देता। लोगों को पता है जब कोई लेने आता है तो मैं साफ बताता हूँ, भाई इस तरह के पीस हैं वो इतने के हैं। किसी भाई का दिल मानता है इस तरह के पीस लेने का तो वो ले लेता, भाई सीधी सी बात है। एंड ये देखो, इसके ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ साफ कि भाई स्पॉट है, ताकि देखो मुझे याद रहे। अब ये कंडीशन देखो कितनी प्यारी कंडीशन है, बिल्कुल 10/10। ये लिखने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि भाई मुझे याद रहे कि मेरे पीसों में क्या मसला है। आपको पता है इंसान है, अब सब वाइट कलर है, बंदा बीच में मिक्स कर दे कुछ मसला हो तो फ़ायदा नहीं है। एंड ये देखो एक और ये पीस है, इसमें है कि भाई टच प्लस माइनर स्पॉट। माइनर स्पॉट का मतलब होता है कि भाई मोबाइल के अंदर कुछ छोटा मोटा सा स्पॉट है जो कस्टमर को नज़र नहीं आएगा, बट मुझे नज़र आ गया, तो भाई मैं क्यों किसी कस्टमर के पैसे हराम करूँ या किसी के बदवा क्यों लूँ? तो भाई इसका मकसद ये होता है कि माइनर स्पॉट है। ये मोबाइल थोड़े बहुत सस्ते में हम दे देते कस्टमर को, अगर कोई नहीं लेता तो भाई ज़बरदस्ती नहीं है, हम फ्रेश के पैसे दोगे आपको फ्रेश पीस ही मिलेगा जो मैंने पूरा अच्छे तरीके से टेस्ट किया होता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, आप लोग को पता होगा,
कि भाई टच का इशू आ रहा है, हमने फलानी जगह से लिया टच का इशू आ रहा है, ये लिया वो इशू आ रहा है। भाई भाई जब मैं घर ला के एक एक मोबाइल को तसल्ली से, ये देखो जो ठीक मोबाइल है देखो ये अभी ऑन नहीं होंगे, देख लो ये मैंने हर एक मोबाइल को तसल्ली से चेक किया भाई, हर एक चीज़ चेक की है। तो भाई किस तरह ख़राब होगा, मैं मानता ही नहीं हूँ कि मेरा पीस ख़राब निकला है। तो बाकी अगर आप लोग लोगे तो भाई, अगर अल्लाह ना करे, देखो इंसान है और ये मशीनी चीज़ है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, ये ख़राब भी हो सकती है ठीक है बाद में, बट अगर ख़राब हुई तो बिल्कुल आपके पैसे वापसी हैं भाई, आप लोग पैसे दे रहे हो, आप लोग कौन सा फ्री में दे लो ठीक है। एंड साथ साथ ये देखो भाई, ये है माइनर स्पॉट ठीक है, इस तरह के पीस होते ठीक है। एंड इसका हल्का बोला टच का इशू था, जो आप लोग बोलते हो भाई टच का इशू पहले से होता है, मोबाइलों में नहीं आता टच का इशू। मैं आप लोग को कोई भी एक मोबाइल वर्क करके दिखाता हूँ, चलो मैं ये वर्क करता हूँ, ये देखो गोल्डन कलर का ठीक है, ये मैंने वर्क करता हूँ ठीक है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि टच किस तरह, ये देखो कैसे ऐसे कैसे टच में इशू आएगा, ये देखो पूरा टच भाई वर्क कर रहा है, देख लो ये देखो ठीक है। एंड मैं अगेन इस तरह से करके दिखाता हूँ, ये देखो पूरा टच वर्क कर रहा है, पूरी स्क्रीन में टच वर्क कर रहा है, हर एक चीज़ वर्क कर रही है भाई। इस तरह जब मैं मोबाइल चेक करूँगा तो कैसे हो सकता है कि आप लोग के मोबाइलों में टच का इशू आ जाए, आप लोग के पैसे हराम चले जाएँ, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई ठीक है। तो बाकी इसको जो छोटा मोटा हम, चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ। ये एक और पीस देखो भाई, फ्रेश कंडीशन में आप लोग को इस तरह ही मिलेंगे, अगर आप लोग पैसे पे करोगे तो आप लोग के पैसे हलाल होंगे भाई, हराम नहीं होंगे इंशाल्लाह। देख रहे हो कितनी फ्रेश कंडीशन है, कोई भी और पीस देते हैं जैसे। एंड ये बैक कवर वगैरह हमारे पास दोनों, जेली पाउच भी ब्लैक पाउच भी, जिस भाई को जो चाहिए होगा मिल जाएगा साथ में। एंड चलो ये पीस चेक कर लेते हैं। अगर किसी भी भाई ने अभी तक इस मोबाइल का रिव्यू नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इस मोबाइल का हॉट ड्रॉप, नॉर्मल टेस्ट, पबजी टेस्ट, हर एक चीज़ मैंने की है। अभी अब खुदा का वास्ता नहीं चाहिए ना बोलना कि भाई इसका पबजी टेस्ट अगेन करो, भाई इसका पबजी टेस्ट हम बहुत बार कर चुके हैं। एंड हाँ, इसकी एक और जो मेन चीज़ थी, रेजोल्यूशन चेंज वाली, जो हमने इसमें आईफोन 12 प्रो मैक्स की रेजोल्यूशन लगाई थी भाई, वो भी आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को समझ आए तो आप लोग कर लेना, उसमें मैंने पूरा तरीका वगैरह हर एक चीज़ समझाई थी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और उसके अलावा पबजी टेस्ट का और हॉट ड्रॉप टेस्ट का, दोनों चीज़ों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये हमारा मोबाइल ठीक है, शार्प का एक्वास R2, कंडीशन वगैरह, लुक वगैरह, हर एक चीज़ आपके सामने दिखा दी मैंने आपको। एंड चलो इसका छोटा मोटा मैं रिव्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इसमें जो हमें स्पेस मिलती है वो मिलती है हमें 4/64 की, मुझे तो ऑलरेडी पता है बट जो भाई लोग न्यू हैं उनके लिए है, ये देखो भाई ये 4/64 की स्पेस है ठीक है। एंड उसके अलावा जो इसमें बाकी चीज़ें हैं, हमें इसमें फिंगरप्रिंट भी मिलता है, ये रहा फिंगरप्रिंट, काफ़ी फास्ट इसका फिंगरप्रिंट है। मैं जब आप लोग डिस्क्रिप्शन से कोई और वीडियो देखोगे तो आप लोग को उसमें वो भी दिख जाएगा। एंड उसके अलावा कैमरा वगैरह भी इसका, हर एक चीज़ मैंने दिखाई हुई ठीक है। और ये फ़िलहाल एंड्रॉयड 9 पर है, और ये एंड्रॉयड 10 पर किस तरह होगा वो भी मैंने बताया हुआ है। मतलब आप लोग को मेरे चैनल पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, ये हो गया, कोई भी मोबाइल हो गया, जब मैं एक मोबाइल देता हूँ तो उसके सोल्यूशन भी मेरे पास होते हैं। अगर किसी भाई का लैग करता है, अल्लाह ना करे हीट करता है, कुछ भी करता है, तो उसके इशू भी मेरे पास हैं। तो बाकी आप लोग बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह अगर आप लोग को चाहिए होगा, नंबर आप लोग के सामने चल रहा है, ऑल ओवर पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी होती है, मैं आप लोगों से खुद डील करूँगा व्हाट्सएप पर, तो आप लोग आ जाना। एंड कुछ भी इशू हुआ, कोई भी बात हुई कर लेंगे भाई, कोई इशू वाली बात नहीं, भाइयों वाली बात है। और अगर चार्जर वगैरह चाहिए होगा तो ये जो हमारा चार्जर है, ये है 4 एम्पेयर केबल है, ये काफ़ी फास्ट चार्जर है ये, और ये 4 एम्पेयर केबल है और 2 मीटर की है, मतलब अगर आपको यहाँ बैठकर वहाँ से खेलना हो तो भाई आप लगा के खेल सकते हो इजीली। 2 मीटर आपको पता है काफ़ी लंबा होता है, और ये 1 मीटर की होती है केबल। एंड ये कुछ डॉक्स हमारे पास होते हैं बाहर के यूज़ होते हैं, एंड काफ़ी अच्छे डॉक्स होते हैं, बता के देते हैं भाई ये यूज़ वाले होंगे बाहर के, यहाँ ये न्यू वाले होंगे। तो खैर भाई, अगर किसी भाई को चाहिए हो, मैं बता चुका हूँ, नंबर आप लोग के सामने है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोगों को पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, मैं आप लोगों से खुद डील करूँगा, तो कोई डरने वाली बात भी नहीं है। सिर्फ 1000 पहले होते हैं, बाकी पैसे बाद में होते हैं। तो भाई अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इस वीडियो पर हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक का गोल, उम्मीद करता हूँ आप लोग 500 लाइक भाई के पूरे करोगे। तो चलो भाई, भाई को दो इजाज़त, चलता हूँ मैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।